हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक इन टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी। आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हिमाचल की एक और फेवरेट डिश, बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पे, जिसे रेड़ू रेड़ू या दही की सब्जी के नाम से बुलाया जा सकता है। चावल या चपाती के साथ इसे खा सकते हैं। दही की सब्जी कई तरीके से हर जगह बनाई जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट दे दिया जाता है। और हिमाचल में इसे खाली दही से और थोड़े से स्पाइसेस को यूज़ करके बनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके लिए हमने क्या लिया है। 300 ग्राम मैंने दही लिया है, जिसको मैंने मिक्सी में चर्न कर लिया। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया साबुत, हींग 1 पिंच, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1 अनियन मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, और हरा धनिया। हरी मिर्च की जगह आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून देसी घी या सरसों का तेल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गर्म करने के बाद जीरा और धनिया को हमने फ्राई करना है। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करें, अगर धनिया थोड़ा भी कच्चा रह जाता है तो वो खाने में दिक्कत करता है। हींग ऐड कर दी है मैंने। ये सब्जी 2-3 मिनट में ही तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आपके पास घर में सब्जी ना हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दही पड़ी है तो आप उसको इस तरह से स्पाइसेस, थोड़ा सा ये स्पाइसेस का तड़का लगाकर सब्जी की तरह से यूज़ कर सकते हैं। दही ज़्यादा खट्टी ना हो, फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि दही खट्टा ना हो। ऑनियन मैंने ऐड कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। साथ ही हरी मिर्च को ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्च की जगह आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर से इसे हिमाचल में बनाया जाता है, बाकी मैंने आपको बताया कि हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देकर सभी सब्जियों को, सभी चीज़ों को बनाया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। जैसे अब इसमें अनियन हमने यूज़ किया है, ये पंजाब में अगर हम दही की सब्जी कहकर बनाते हैं तो प्याज टमाटर वगैरह इसमें इस्तेमाल करते हैं, हिमाचल में नहीं करते हैं। या और भी कहीं पर जब बनाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड कर ली जाती हैं, लेकिन जो बेसिक इन्ग्रीडियंट है कर्ड वही रहता है। थोड़ा सा प्याज भून जाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी और लाल मिर्च। इसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है या बिल्कुल सिम करें। थोड़ा सा दही ऐड करें पहले और लगातार इसको स्टर करें, चलाते रहें। इससे दही बिल्कुल फटेगी नहीं। अगर आप इसको लगातार चला रहे हैं और गैस को अपने बंद कर दिया है, या फिर बिल्कुल लो कर लें, बेटर है बंद कर दें, उसके बाद दोबारा ऑन करें और बाकी की दही जो हमारे पास है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से दही इसमें ऐड करने से फटती नहीं है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, साल्ट ऐड करेंगे और लगातार इसको हमने चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, जस्ट हल्का सा, जैसे गरम करते हैं उस तरीके से करना है। अगर बहुत पकाएंगे तो पानी अलग हो जाता है, दही फट जाती है, उस तरह से हमने इसको नहीं पकाना है। जस्ट 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट इसको आप गैस पर रखें, उसके बाद फ्लेम बंद कर दें। दो से तीन मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाने में आप देख सकते हैं समय बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार टमाटर या प्याज जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल हिमाचली तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसमें ओनली जीरा धनिया हींग का छौंक लगाएं और रेडी है आपकी दही की सब्जी, जिसको हिमाचल में रेड़ू के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, रेडी है सर्व करने के लिए। इसमें जो फ्लेवर आ रहा है जीरे का, धनिया का, हींग का, बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है। धनिए से थोड़ा गार्निश कर देते हैं,
टेबल पे जाने के लिए रेडी है। आप इसको चावल या चपाती के साथ जैसे भी चाहें खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अगेन।